बना रहा है, लोगों बढ़का देते बांध में पानी छोड़ेगा, बिजली पैदा कर रहा है बांध से, और किसान को बढ़का देते देखो जब पानी में जब बिजली निकल जाएगी तो पानी की ताकत ही खत्म हो जाएगी, वो काम करेगा छिड़काव करेगा, ये वो लोग हैं। उसे अंदाज कर सकते हो किस प्रकार की सोच के लोग रहे हमेशा। आप सोच सकते हो 35 साल के इनके जीवन में ये विचारधारा नहीं लड़ पाए, नीतियों की लड़ाई नहीं लड़ पाए, कार्यक्रम पेश नहीं कर पाए, इसलिए कांग्रेस विकट नहीं बन पाया। अगर विकट बन गया राजनीति करते जो हो रही है, हमें खुशी होती है लोकतंत्र में कभी हारते कभी जीतते, प्रधानमंत्री के नाम पर से दंगे बढ़ता है, सत्ता में भी आ गए और फिर सत्ता माने का प्रयास कर रहा, पता नहीं ये चाहते क्या हम देश के लिए। तो जिस रूप में ये खुद ईमानदार बनते हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खेल गए हुए हैं, इनके मुख्यमंत्री जेल जा के आए हैं, उनको वापस ले लें इंद्र प्रसाद को, जुदेव जी ने क्या कहा आपको मालूम है, जब पहले खाए था इनको गुजरात में मध्य प्रदेश में या तेजस्व कोर्ट में नए अधिकारियों घरों में छत्तीसगढ़ में वहां इनको करप्शन नहीं दिखता है, यूपी गवर्नमेंट में दिखता है। अरे यूपी गवर्नमेंट में करप्शन की शिकायतें आनी कैसे शुरू हुई, अगर सूचना का अधिकार नहीं देती सोनिया गांधी देश को, पर अगर मनमोहन जी लागू नहीं करते तो पढ़ते भी नहीं खुदी करप्शन तो कौन हटाना चाहते करते, कांग्रेस हटाना चाहती है। इसलिए अधिकार आधारित युवती सेवा थी, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नरेगा के माध्यम से रोजगार का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, एक के बाद एक अधिकार मिले थे इसको। 10 साल में इतिहास बना है, माहौल ऐसा बना दिया 10 साल में कुछ हुआ ही नहीं। ये लोग वो है आपको पहचानना पड़ेगा, और हमारे अफसर वाले लोग ये माहौल बिगड़ता है तो आप पानी छोड़ के जाते हो, बीजी बीजों में करते, हमें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि कोई जाने की फिराक में हो तो उसको चुपचाप भेज देना चाहिए, बिहार में जल्दी जाओ। जितने ऐसे अवसरवादी लोग कम होंगे पार्टी में, उतने कर्मठ काबिल निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता और मजबूती से काम करना प्रारंभ करेगी।